हे नम्रता के सागर, दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना के जलों से सिंचित इस सुंदर देश में तुझे खोजने में हमारी मदद कर। हमें ग्रहणशीलता दे, निश्चल हृदय दे, अपनी नम्रता दे, भारत की जनता से एक रूप होने की शक्ति और तत्परता दे। हे भगवान, तू तभी मदद के लिए आता है जब मनुष्य बिल्कुल नम्र बनकर तेरी शरण लेता है। हमें भर दे कि सेवक और मित्र बनकर हम जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं उससे अलग न पड़ जाएं। हमें आत्मत्याग और सद्गुणों के भाजन बना, हमें नम्रता की साक्षात मूर्ति बना, ताकि इस देश को हम ज्यादा समझ सकें और ज्यादा प्रेम करें। ईश्वर से याचना करने का अर्थ है तीव्र इच्छा रखना। ईश्वर हमसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। वह भिन्न है क्योंकि वह संपूर्ण है, अभिन्न है क्योंकि हम उसके अंश हैं। समुद्र से अलग पड़ जाने वाली बूंद यदि समुद्र से विनती न करे तो किससे करे। प्रार्थना वियोगी का विलाप है, उसके बिना देहधारी जी ही नहीं सकता। प्रार्थना ईश्वर को याद दिलाने के लिए नहीं की जाती, वह तो घट घट का वासी है, बिना उसकी आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी प्रार्थना तो सिर्फ इसलिए है कि हम अपने अंतर का शोधन करें। प्रार्थना के द्वारा तो हम खुद अपने को यह याद दिलाते हैं कि उसके अवलंबन के बिना हम सब कितने असमर्थ और असहाय हैं। जब तक हम निश्चित रूप से यह स्वीकार न कर लें कि जिस प्रयत्न के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद न हो, वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, निष्फल हो जाता है। प्रार्थना से हम विनम्र बनते हैं, वह तो आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है, आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देती है।